नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम एक नजर इधर में भी। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी, जिसमें हम जनता के उन सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं जिनसे लगातार जनता जूझ रही है और शासन प्रशासन मौन बैठा है। सबसे पहले बात करते हैं सोनकच्छ की, जहां 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। दरअसल स्कूल में कई विषय के शिक्षक मौजूद ही नहीं हैं, जिसके चलते छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं छात्रों का कहना है कि जब पढ़ाई ही नहीं तो परीक्षा में सवालों का जवाब किस आधार पर देंगे। पर फिजिक्स का है और हमें है कि नहीं पढ़ाया, कुछ भी पढ़ाया नहीं, और बोल रहे सर उन्होंने के पेपर देना नहीं, तो हमें कुछ भी याद पढ़ाया नहीं, तो पेपर कैसे देंगे, पेपर में लिखेंगे क्या। हमारा पेपर फिजिक्स का था और 1:30 बजे से था। हाँ। तो हम यहाँ बाहर खड़े हुए, तो हमको पुलिस की धमकी दी जा रही थी। क्या कह रहा है कि पुलिस को बुलाएंगे और ले जाएंगे पेपर में, अंदर नहीं बैठोगे। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि हमारे 3 सब्जेक्ट के जो है वो अतिथि शिक्षक भी नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पोर्टल पर वो पद ही नहीं दिख रहे हैं। और उसके लिए हम प्रयास कर चुके हैं, 3 बार DO कार्यालय में भी लिख के भेज चुके हैं। कल भी हमने पुनः उसको ईमेल किए डाक को कि जो 3 पद खाली हैं वो हमारे खोले जाएँ, ताकि हम अतिथि शिक्षक नियुक्त कर सकें। यहाँ पर ये बच्चों ने परीक्षा जो नहीं दी वो इस वजह से नहीं दी कि उनकी जो है शिक्षकों की कमी थी, और इस कारण से उनका अध्यापन नहीं हो पाया है। अध्यापन यदि होता तो वो उनकी समस्या ये रही कि अध्यापन नहीं हुआ तो हम पेपर में क्या लिखेंगे। इसलिए हम ये DO साहब के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, मैं DO हूँ, और ये चाहते हैं कि कल तक जो है कम से कम 2 शिक्षकों की व्यवस्था निहायत रूप से कर दी जाएगी। और मैं सर को जो है आज अवगत करा दूंगा वहाँ जा करके, जो अन्य व्यवस्था होगी निर्णय सर को ही लेना है, आर्डर भी वही निकालेंगे। और बच्चों को भी आश्वस्त इसीलिए करा है कि मुझे विश्वास है पूरा कि व्यवस्था अतिशीघ्र कर दी जाए। तो ये तस्वीरें आपको सोनकच्छ के दिखा रहे थे, जहां 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया, क्योंकि स्कूल में एक भी शिक्षक पढ़ाने के लिए नहीं है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनोज शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, पूरा मामला पहले आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे, जहां 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। जी, मैं आपको बताऊं। जी मनोज, हेलो हेलो मनोज, आपको हमारी आवाज मिल रही है? मनोज से अभी फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है, एक बार फिर साधने की कोशिश करेंगे। आपको ये तस्वीरें सोनकच्छ के दिखा रहे हैं, जहां शिक्षक ही नहीं है और ऐसे में छात्रों का भविष्य अंधकार में पड़ा हुआ है। और एक बार फिर हमारे साथ मनोज शुक्ला संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, आपसे पूरा मामला विस्तार से जानना चाहेंगे, सोनकच्छ के इस स्कूल का, जहां 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के जो छात्र हैं उन्होंने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। आपको मैं बता दूं कि यहां पर पिछले दिनों से शिक्षक का नहीं होना एक बच्चों के लिए समस्या बन चुका था। अभी 3 मई की परीक्षा शुरू होने से पहले ही यहाँ पर बहिष्कार कर दिया परीक्षा का। मनोज, ये समस्या कब से चल रही है? ये नया सत्र शुरू हुआ जब से ही ये समस्या चल रही है। बच्चों ने कई बार इसका आवेदन भी दिया उच्च अधिकारियों नेताओं को, किसी ने भी इसको नहीं सुना, पर आज उन्होंने इस मामले को लेकर। मनोज, नए सत्र शुरू हुए कितना टाइम हो गया? इसको तो स्कूल से शुरू हुआ 4-5 महीने करीब हो गए हैं। 4-5 महीने से इस स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है। इस पूरे मामले पर किसी अधिकारी को बताया या अवगत कराया गया? अधिकारी कल मौके पर यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर यहाँ पर शिक्षक पहुंचे। क्या इस पूरे मामले को जिला शिक्षा अधिकारी से अवगत कराया है? जिला शिक्षा अधिकारी को भी ये पूरा मामला बताया गया, तो उनके द्वारा बताया गया कि 2 या 3 दिन के अंदर यहाँ पर शिक्षक अवलोकन करा दिया जाएगा। मनोज, बच्चों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया है, जो कि खुद में एक बहुत बड़ी बात है, उन्होंने खुद कदम उठाया। ऐसे में बच्चों के अभिभावक का क्या कुछ कहना है? अभिभावकों को भी बच्चों द्वारा बता दिया गया था कि यहाँ पर शिक्षक नहीं है, अभिभावक परेशान भी है, बच्चे भी परेशान है। जी,
चलिए मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये सोनकच्छ की लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां बच्चों ने परेशान होकर खुद कदम उठाया है और 9वीं से 12वीं के कक्षा के छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। और हमारे साथ हरि सिंह भारती बीओ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आपका डीएनएन में बहुत स्वागत है। जी थैंक यू मैडम। हरि सिंह जी, सोनकच्छ में एक स्कूल है जहां 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया क्योंकि वहां पर एक भी शिक्षक मौजूद नहीं है, क्या कुछ कहेंगे आप? केवल 12वीं के बच्चों ने, 12वीं के बच्चों, 12वीं साइंस के बच्चों ने, कि उनका कोर्स पूरा नहीं हुआ अभी तक का त्रैमासिक का। जी अभी बच्चों से, बच्चों ने भी हमारे चैनल के माध्यम से बताया कि कोर्स कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पे शिक्षक ही तैनात नहीं है, शिक्षक ही मौजूद नहीं है, 4-5 महीने हो चुके हैं। जी मैडम, तो आपने क्या कुछ कदम उठाए हैं? मैंने तो मैडम वहां पे हम गए, बच्चों से मिले और अभी चूंकि एग्जाम में बैठने के लिए उनको कहा, समझाया और वो माने भी सही। अब जो शिक्षक उपलब्ध नहीं है उनको आसपास के स्कूलों से व्यवस्था करके वो कोर्स पढ़वाया जाएगा ताकि आने वाले समय में ये समस्या ना उठे। हरि सिंह भारती जी, ये जो समस्या है तकरीबन 4-5 महीने से चल रही है, अब जब बच्चों ने एक्शन लिया, कदम उठाया, उसके बाद आपने कोई फैसला लिया है? जी मैडम, मैं अभी तो अभी बीओ नया बना हूँ तो पहले से उन बच्चों ने कहा भी होगा विधि प्रबंधन को तो उनको ध्यान देना चाहिए था, प्राचार्य वगैरह जो हुआ है। कितना समय हो गया आपको बीओ बने हुए? मुझे तो अभी मैडम इसी महीने बना हूँ मैं, महीने भर हुआ। चलिए हरि सिंह भारती जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे कि आप इस पूरे मामले को संज्ञान में लें और जरूर कोई ना कोई एक्शन जल्द उठाएं। तो ये सोनकच्छ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। आपको बता दें कि इस स्कूल में एक भी शिक्षक मौजूद नहीं है जिसके चलते छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा था। और एक बार हमारे साथ राजेंद्र सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो राजेंद्र जी, आपका हमारे साथ बहुत स्वागत है डीएनएन में। थैंक यू मैडम, थैंक यू। राजेंद्र जी, 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया क्योंकि वहाँ एक भी शिक्षक तैनात नहीं है, क्या कुछ कहेंगे आप? ये कार्रवाई करेंगे। कल विकास खंड शिक्षा अधिकारी हरि सिंह भारती गए थे स्कूल में। जी हरि सिंह भारतीय विकास स्कूल में गए थे तो राजेंद्र जी, 4-5 महीने से ये समस्या से बच्चे जूझ रहे हैं, अभी तक क्यों जब ये मामला अब उठा तो है तभी क्यों? वो तो कुछ लोगों ने, पेरेंट्स ने बच्चों को उनको भड़का दिया था। मतलब वो कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए क्यों भड़काएगा राजेंद्र जी? राजेंद्र जी, कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए क्यों भड़काएगा कि वो पढ़ाई ना करें? बाहर के लोग हैं, बाहर के लोग पेरेंट्स तो नहीं भड़काते, बाहर के लोग हैं। मतलब वो बच्चों का कहना है कि 4-5 महीने से एक भी शिक्षक तैनात नहीं है वहाँ पर। जी जी जी, ऐसे में उनका कोर्स भी अधूरा है तो वो बच्चे परीक्षा में लिखेंगे क्या? नहीं, वो टीचर्स के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। जिन टीचर ने अगर पढ़ाई नहीं पढ़ाई करी है। चलिए, पूरा मामला आपके संज्ञान में आ चुका है तो अब आगे क्या कुछ एक्शन लेंगे आप? हाँ, बराबर एक्शन लेंगे ना। कब तक लेंगे एक्शन क्योंकि 4-5 महीने तो हो चुके हैं इस चीज को? नहीं, अभी 2-3 दिन में ले लेंगे। चलिए राजेंद्र जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। कोशिश करेंगे कि आप जल्द ही इस पूरे मामले को संज्ञान में लें और जल्दी से एक्शन लें। और अब हमारे साथ किशोरी लाल वर्मा, संकुल प्रभारी, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। किशोरी लाल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है डीएनएन में। जी मैडम, थैंक। किशोरी लाल जी, सोनकच्छ में एक स्कूल है जहां 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया, भविष्य अधर में लटका हुआ है, क्या कुछ कहेंगे आप? जी मैडम, उसमें क्या समस्या आ रही है? हमारे यहाँ 3 पद पोर्टल पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, उस कारण ना तो हम अतिथि शिक्षक रख पा रहे हैं और ना ही कोई शिक्षक हमारे यहाँ बाहर से कहीं ट्रांसफर होकर आ पा रहा है। किशोरी लाल जी, ये समस्या जो है, इस समस्या से छात्र तकरीबन 4-5 महीने से जूझ रहे हैं। 7-8 महीने से नहीं मैडम, इसी 17 जुलाई से हैं। मैं भी अभी 1 महीने पहले ट्रांसफर होकर आया हूँ और प्राचार्य मैडम है वीणा दुबे मैडम, वो अस्वस्थता के कारण अभी वैसे आज है नहीं।
चलिए जुलाई से जूझ रहे हैं, मान ली आपकी बात, अभी तकरीबन 3 महीने ही हुए हैं, 3 महीने से अभी तक एक भी शिक्षक तैनात नहीं किया गया उस स्कूल में। उसमें जो जो विषय के टीचर हैं मैडम, उन्होंने तो प्रयास किया, केवल 3 विषय की पढ़ाई नहीं हो पाई उनकी। आपको क्या लगता है बच्चों ने जो एक्शन लिया है बिल्कुल सही लिया है? बच्चों ने जहाँ तक उनके हिसाब से तो ठीक लिया है, क्योंकि शिक्षक ही नहीं है तो परीक्षा देना तो संभव है ही नहीं, क्या लिखते हैं लिखेंगे। आपने क्या बच्चों से पूछताछ की, बच्चों से पूछा कि अभी उन्होंने जो ये एक्शन लिया उस पूरे मामले का संज्ञान लिया अपने बच्चों से? बच्चों को हमने लगातार समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने ये पूरी जानकारी अपने वरिष्ठ कार्यालय अधिकारियों को दे दी है शिक्षक के रिक्त पदों की, उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि 1-2 दिन में शिक्षकों की व्यवस्था कर देंगे। जी चलिए किशोरी लाल जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें ये सोनकच्छ की तस्वीर है जहां 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया है। और जीवन सिंह ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जो कि नगर परिषद उपाध्यक्ष है। सबसे पहले जीवन जी, आपका DNN में बहुत स्वागत है। जी सर, 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 नौवीं से लेके 12वीं तक के बच्चों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया क्योंकि स्कूल में एक भी शिक्षक तैनात नहीं है, क्या कुछ कहेंगे आप? जी जी मैडम, हम कल मौके पहुंचे थे टीम के साथ में और हमने वहां देखा 35 बच्चे जो परीक्षा का बहिष्कार किया गया जी, सामाजिक विज्ञान हिंदी और गणित के कोई टीचर नहीं है, ऐसी स्थिति में बच्चे को पढ़े वाले की समस्या काफी थी, कुछ पढ़ नहीं पाए थे और उन्होंने परीक्षा का बहिष्कार किया है। जीवन जी, क्या इससे पहले आपके संज्ञान में ये मामला आया था? जी जी, जिससे पहले संज्ञान में मामला आया था, हमने पीओ साहब को सब कुछ जानकारी दे चुके थे, पहले भी कलेक्टर महोदय से बातचीत हमारी हुई थी पिछली बार जो कलेक्टर साहब थे जी, और उसके बाद में उन्होंने अभी तक कोई इससे ध्यान नहीं दिया गया और बच्चों के साथ सरासर खिलवाड़ हो रहा है। खिलवाड़ जाहिर है, खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों का भविष्य अधर में लटका है। आपको क्या लगता है कि बच्चों ने जो ये एक्शन लिया है क्या सही है? जी जी मैडम, एक्शन तो ऐसे सही नहीं है, बच्चों का भविष्य समस्या आती क्या है, बच्चे अगर परीक्षा देते हैं तो मार्क्स देना पड़ता है, जब उनको 2 या 3 मार्क्स आएंगे तो ना मनोबल टूटेगा, तो इस स्थिति में जब पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो मार्क्स आदि कम आ रही है जी, इस कारण उन्होंने परीक्षा का बहिष्कार किया था कि उनका मनोबल न टूटे, और जो पढ़ाई नहीं परीक्षा कैसे देंगे वो लोग? जाहिर है, जब वो पढ़ेंगे ही नहीं तो परीक्षा में क्या लिखेंगे। क्या आपने एक बार उनके अभिभावकों से बात की कि उनके अभिभावकों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? जी जी जी, मैंने अभिभावकों से बात भी की थी और टीचर से स्कूल में जाकर बात की थी, सबने आश्वासन दिया था, जो अधिकारी आया था हम 2-4 दिन व्यवस्था कर, कल भी हमारी खत्री जी से बात की, उन्होंने आश्वासन दिया 2 दिन के अंदर हम शिक्षकों की व्यवस्था कर देंगे सोमवार तक। आज भी मेरी बात हुई है फोन से शिक्षा अधिकारी से, उन्होंने सोमवार के 2 दिन टीचरों की व्यवस्था करने की बात कही है। चलिए जीवन जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, कोशिश करेंगे कि आपके मामले, आपके संज्ञान में पूरा मामला आ चुका है तो अब आप जरूर एक्शन लेंगे। और ये सोनकच्छ की आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां 9वीं से लेकर 12वीं के कक्षा के छात्र अब इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि उन्होंने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। दरअसल स्कूल में कई विषयों के शिक्षक मौजूद ही नहीं है जिसके चलते छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है, छात्रों का भविष्य अंधकार में लटका हुआ है। तो वहीं छात्रों का इस पूरे मामले पर कहना है कि जब पढ़ाई नहीं हुई तो परीक्षा में सवालों का जवाब किस आधार पर देंगे, ऐसे में हमारी कई अधिकारियों से बात हुई है, कईयों ने अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए हैं। तो वहीं अधिकारी ने बोला कि कलेक्टर को आश्वासन भी दिया है लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और 12वीं के ये छात्र हैं और बता दें कि 12वीं में बोर्ड एग्जाम होते हैं, ऐसे में बच्चों का भविष्य कितना अधर में लटका हुआ है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का, जो खरगापुर के पास ईसा नगर छतरपुर में PWD मार्ग से जुड़ी PWD की सड़क का काम करीबन 6 सालों से ठप पड़ा है। चिनगुआ से हजारों की संख्या में वाहन प्रतिदिन निकलते हैं, एक तरफ जहां बड़े वाहन और इनमें सफर करने वालों को जर्जर सड़क से परेशानी झेलनी पड़ती है तो वहीं बारिश के दौरान सड़क पर बने दलदल नुमा गड्ढे छात्राओं के लिए खतरनाक बन जाते हैं। आपको बता दें कि कई इनमें साइकिलें तो कभी गाड़ियां फंस जाती हैं। लोगों ने सरकार से इस मसले पर तत्काल कार्रवाई की मांग भी की है। यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी मच रही है, निकलने में दिक्कत पड़ती है, कभी कभी निकलते हैं तो गिर जाते हैं, ऐसी शाला में बैठ जाते हैं। तो क्या शिकायत नहीं की आप लोगों ने? शिकायत भी करते हैं तो कोई सुनता भी नहीं, कोई नहीं सुनता। कितने छात्र निकलते होंगे यहाँ से? वो 20-25 छात्र निकलते हैं। कहाँ जाते हैं स्कूल? दो कौन सा गाँव है? चिनगुआ मेन सड़क
यही है। क्या समस्या आ रही है? यहाँ फर्स्ट निकलते हैं तो साइकिलें मोटरसाइकिलों वाले बहुत गिर जाते हैं। आप लोग कैसे निकल पाते हो? हम निकलते हैं तो गप जाती साइकिल पर, एक बार तो गिर ही पड़ते हैं। जी, जो ये सड़क का मामला है यहाँ चिनवा से लेके मनवा मुख्य मार्ग पे, इसमें क्या कहना है? इसके संबंध में हम संबंधित पटवारी उससे वहाँ पर दिखवाएंगे की वास्तविक स्थिति क्या है, और संबंधित विभाग है उससे भी हम लोग संपर्क करें, उसको जल्द से जल्द सुधार करवाने का कार्य। तो खरगापुर के पास ईसानगर छतरपुर मार्ग से जुड़ी पीडब्ल्यूडी की सड़क का काम करीब 6 सालों से ठप पड़ा है, और आपको बता दें कि शासन प्रशासन से कई बार इसकी शिकायत की है लेकिन हर कोई अपना पला झाड़ता हुआ नजर आया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता श्याम बहादुर तिवारी फोन लाइन पर जुड़े हैं। श्याम जी, खरगापुर के पास ईसानगर छतरपुर मार्ग से जुड़ी पीडब्ल्यूडी की सड़क का काम करीब 6 सालों से ठप पड़ा है, ऐसे में कई भारी वाहन भी यहां से गुजरते हैं, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पूरा मामला विस्तार से। ऋतु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, एएमडी की खरगापुर का मामला है, मुख्य मार्ग छतरपुर ईसानगर होते हुए कोटरा जी, जो यहाँ चिनवा से मेन सड़क से पीडब्ल्यूडी से जुड़ा हुआ ये सड़क है, और चिनवा से लेके मनवा तक मार्ग का पूरा पीडब्ल्यू का सड़क है जी, जो छात्रों को इतनी मशक्कत के बाद वहाँ से निकलते हैं, और ऐसा नहीं है ये कम से कम 2013 से कार्य किया गया था, 2013 से आज भी काम ठप है। पूर्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो काल काल में जो कार्य हुए है, और ऐसा नहीं है कहीं कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन भी इसमें वो है कि इसको नहीं देखा है कि इतना बड़ा सड़क में इतने सारे कम से कम। श्याम बहादुर जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, और तस्वीरों देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है वहां पता तक नहीं चल रहा है कि कीचड़ में सड़क है या सड़क में कीचड़ है। अब इस पूरे मामले पर किसी अधिकारी को आपने अवगत कराया या वहां के किसी भी रहवासी ने अवगत कराया? श्याम बहादुर जी, आपको हमारी आवाज जी, जी, हाँ बिल्कुल, मैंने आलाधिकारियों को मैंने पूछताछ की है, तो आलाधिकारी का उनका कहना है कि मैं भिगवा दू, पर 6 साल से आज तक कोई अधिकारी वहाँ पीडब्ल्यूडी की सड़क से काफी वाहन ऐसा नहीं है, हजारों की संख्या में वहाँ वाहन निकलते हैं, क्योंकि इनका मुख्य मार्ग छतरपुर मार्ग है, जो आज तक अधिकारियों ने वहाँ की सूच नहीं ली। ग्रामीणों का कहना ये भी है जो आस पास निवास कर रहे हैं लोग वहाँ पे काफी मशक्कत के बाद निकलते हैं, तो वहाँ की छात्राएं काफी परेशानियां होती है। इसी विषय में मैंने स्कूल संबंधित अधिकारियों से बात की थी, उनका कहना ये है जो सड़क मेन होती है जो मतलब बच्चे वहाँ से निकलते हैं ऐसा नहीं है, उस सड़क की वजह से बच्चे हमारे विद्यालय में बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि इतना गहराई वहाँ इतना गहराई बताया जा रहा है कि कम से कम 15 फीट चौड़ाई और लंबाई 200 मीटर की पूरी रास्ता खराब है। श्याम बहादुर जी, लगता है शासन प्रशासन ने 6 सालों से अभी तक इस पर नजर ही नहीं पड़ी है, वो देख ही नहीं पा रहे इस सड़क को। बात की जाए वहां के ग्रामीणों की, बच्चों की, उनका क्या कुछ कहना है, बच्चों के अभिभावक का क्या कुछ कहना है? अब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि मैं साहब सब जगह में शिकायत करता हूँ, मैं ऐसा नहीं है, और लेकिन हमारी प्रशासन कोई सुनता नहीं है, ना कोई देखने यहाँ मौके पर आता है जी। श्याम बहादुर जी, वहां पर अगर इस समय कोई बड़ा हादसा हो जाता है, इस दौरान वहां सड़क से मरीजों के मरीज भी गुजरते होंगे, संजीवनी एम्बुलेंस भी गुजरती होगी, तो कितनी बड़ी समस्या का उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा? जी बिल्कुल, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, वहाँ लोगों का कहना है कि एक माह पूर्व में बच्चे जो थे वहाँ से स्कूल के लिए छात्र छात्राएं निकलती थी तो अपने वस्त्र मतलब एंट्रा में लेके वहाँ उस पर रख देते थे, उनको विद्यालय जाने के लिए अगर यहाँ से गीले भी हो जाए तो मतलब वस्त्र वहाँ से मतलब चेंज करने के बाद विद्यालय पहुंचती थी, पूर्व एक माह की पूर्व बात है, तो कहीं ऐसा लगता था कि मवेशी भी वहाँ उसमें नाले में जबरदस्त बैठते थे। चलिए श्याम बहादुर तिवारी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो एक हमारे साथ अब फोन लाइन पर शिव कुमार ग्रामीण जुड़ गए हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि इस सड़क से जब आप जाते हैं या आपके बच्चे जाते होंगे स्कूल पढ़ने के लिए, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको? गिरते हैं मोटरसाइकिल, बाइक नहीं, साइकिल नहीं कर पाती है, बच्चे पढ़ने जाते हैं अभी स्कूल भी नहीं जाते हैं बच्चे, रास्ता खराब है, तो बच्चे इस सड़क से स्कूल नहीं जा पाते। क्या आपने किसी अधिकारी को अधिकारी के संज्ञान में ये पूरा मामला लाए, शिकायत कराई? पता है कभी बहुत दिन से है, तहसीलदार साहब को पता है, एडीएम साहब को पता है, सरपंच साहब को पता है। क्या कुछ आश्वासन दिया उन्होंने आपको? हाँ करवा देंगे, करवा देंगे। तो आपने पूछा नहीं कि कब करवाएंगे? पिछले 6 साल से आप लगातार शिकायत कर रहे हैं।
ये तो कहाँ बोल देते हैं, हम गरीब लोग किसान लोग बोले कल आप अगले हफ्ते काम लगा देंगे, अगले महीने काम लगा देंगे। तो आपने उनके अलावा किसी और बड़े अधिकारी को अवगत कराया है, जब छोटे अधिकारी ने नहीं सुनी आपकी बात? नहीं, शिकायत मकायत बहुत भी कही गाँव लोगों ने, गाँव के लोगों ने, कई तहसीलदार साहब लोग कहीं शिकायतें, बाकी साहब पंच साहब लोग मीडिया मीडिया बुलवाओ, मीडिया से बात की जी। चलिए, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं खरगापुर की, जहां खरगापुर के पास ईसा नगर छतरपुर मार्ग से जुड़ी पीडब्ल्यूडी की सड़क का काम करीब 6 सालों से ठप पड़ा है। ऐसे में आपको बता दें कि आसपास के रहवासी और ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। तो वहीं चिनगुआ से हजारों की संख्या में वाहन प्रतिदिन निकलते हैं, और एक तरफ जहां बड़े वाहन और इनमें सफर करने वालों को जर्जर सड़क से परेशानी झेलनी पड़ती है, तो वहीं बारिश के दौरान सड़क पर बने दलदल नुमा गड्ढे छात्राओं के लिए खतरनाक बन जाते हैं। कहीं इनमें आपको बता दें कि साइकिलें भी फंस जाती है। तो वहीं कई बार इस पूरे मामले से अधिकारियों को भी अवगत कराया है, और कई बार नहीं, पिछले 6 साल से लगातार वहां के ग्रामीण इस पूरे मामले में अवगत करा रहे हैं अधिकारी को, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने संज्ञान पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है, सिर्फ आश्वासन ग्रामीणों को दिया है। अब रुख करते हैं गुना का, जहां जामनेर थाना क्षेत्र के बलरामपुर ग्राम में बाइक चोरी के शक में गांव के लोगों ने एक युवक को निर्वस्त्र करके बुरी तरह से पीटा। उसके बाद में युवक को जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया गया। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, तब पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया और वीडियो के आधार पर आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया। जामनेर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति कमल भील करके है, जिसका अभी आज एक वीडियो भी सामने आया है। 18 तारीख को उसके साथ एक घटना हुई थी कि कोई एक व्यक्ति की जो बाइक है वो चोरी हुई, तो उसके बाद में उसके द्वारा संदेह जताया गया कमल भील द्वारा जो है वो बाइक चोरी की गई। जब रास्ते में उसको मिला तो उससे पूछताछ की गई, उसने नहीं बताया, और उसके साथ जब वो कुछ मारपीट हुई है तो उसके बाद उसने बताया कि हाँ ये व्यक्ति लेके गया है। जब इस तरह के विरोधाभास तथ्य सामने आए तो उसके बाद में गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट करी है और उसका वीडियो भी बना हुआ है, और उसके बाद आज सुबह ये तथ्य पुलिस के सामने आया कि ऐसी कुछ घटना जो है वो 18 तारीख को हुई है, क्योंकि गांव की तरफ से कोई भी रिपोर्ट करने के लिए अभी तक नहीं आया था। तो आज जिस तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया गया है और अग्रिम कार्यवाही जो है वो करवाई। थैंक यू। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिलीप श्रीवास्तव फोन लाइन पर संवाददाता जुड़ गए हैं। दिलीप, गुना जिले के जामनेर थाना क्षेत्र के बलरामपुर ग्राम में एक घटना सामने आई, जब बाइक चोरी के महज शक के आधार पर एक युवक को निर्वस्त्र करके पीटा है, पूरा मामला आप विस्तार से बताएं। जी, बताना चाहूंगा ये मक्सीगंजगढ़ का बलरामपुर की घटना है। यहाँ पे 18 तारीख को ये घटना उनके जब सामने आया, इसको सोशल मीडिया पे चला गया, जब कहीं जाके यहाँ पे पुलिस के यहाँ पे सामने आया तो एसपी सामने भी यही बताया कि इस तरह घटना यदि ऐसी हुई है और वीडियो हुआ है, वीडियो का यहाँ पर जो लोगों के ऊपर कार्रवाई भी करने का भरोसा दिया गया, उन्होंने कार्रवाई भी की गई है, इसको फिर निर्वस्त करके बकायदा पूरे उसमें लात से मारा, इसमें कई लोगों को एक कुछ बचाते हुए भी दिखे, लेकिन जनता को खूब मार किया है इसके साथ, जब जाके पुलिस ने भी संज्ञान में मामला ले लिया है। दिलीप, इससे पहले जब बच्चा चोरी की अफवाह सामने आ रही थी, तब भी मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही थी कि एक भीड़ किसी भी युवक को, किसी भी बेजुबान युवक को मार रही थी, और ऐसे में एक युवक की दोबारा पिटाई की गई है, पुलिस प्रशासन ने पूरे मामले पर संज्ञान कितनी देर बाद लिया? नहीं, पुलिस जो गुना कप्तान है राहुल कुमार लोढ़ा जी, उन्होंने एक ही बात बताया कि जैसे ये वीडियो वायरल हुआ है, हमने पुलिस को भी अपनी जो टीम है उनकी, उनको तुरंत बताया और उसको जैसे ही संज्ञान में लिया है तो उसको बताया गया कि इस प्रकार की घटना नहीं होना चाहिए थी, पुलिस को वहां पहुंचना चाहिए था, लेकिन पुलिस को जब देरी से खबर मिली तो इसमें भी पुलिस ने अपने उसको लेते हुए जनता के ऊपर कार्रवाई करने का, जो जनता ने उनको मारपीट की गई है उस पर कार्रवाई की गई है, पुलिस ने एक्शन बाद में लिया है। हालांकि पहले ये कई घटनाएं ऐसी हो चुकी है, बच्चा चोरी की हो या चोरी का मामला हुआ हो या चोरी की हुई है, फिर भी ऐसे मामले नहीं होते चाहिए, लेकिन फिर भी इससे कहीं ना कहीं रुक नहीं हुई है।
चलिए दिलीप, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको ये गुना की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां जामनेर थाना क्षेत्र के बलरामपुर ग्राम में बाइक चोरी के शक में एक गांव के लोगों ने एक युवक को निर्वस्त करके बुरी तरह पीटा। महज शक के आधार पर युवक की पिटाई की गई। बाद में युवक को जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया गया। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो चुका था, उसके बाद पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया और वीडियो के आधार पर आरोपी यानी कि ग्रामीणों पर मामला दर्ज किया गया है। हमारे खास कार्यक्रम एक नजर इधर में भी फिलहाल के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे नए सामाजिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।